रखे हैं जल मार्ग के द्वारा, और इसके बाद फिर हम लोग पैदल भी घाटों का निरीक्षण करते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग देखने जा रहे हैं किन किन घाटों पर कटाव की स्थिति है, खतरनाक है, और किन घाटों पर तैयारी की जा सकती है। और कुल 21 सेक्टर बनाए गए हैं, 21, और लगभग 109 घाट हैं पटना शहरी क्षेत्र में जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बाकी पूरे जिले में हम लोगों के लगभग 350 घाट रहते हैं जिन पर हम लोग तैयारी कराते हैं। तो आज हम लोग पटना शहरी क्षेत्र का दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जितने घाट हमारे हैं इसका निरीक्षण कर रहे हैं जल मार्ग के द्वारा। क्या लगता है पिछले साल में होगी? अब तो यही आज हम लोग हमें पहले देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग आप लोगों को अपडेट करेंगे। क्योंकि पानी बीच में बहुत बढ़ गया था, तो बाढ़ जैसी हालात हो गई थी, तो उसके कारण थोड़ी सी घाटों की स्थिति ठीक नहीं है। अभी बहुत सारे घाट पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कलेक्ट्रेट घाट और जो घाट है उन पर पानी है, कीचड़ है बहुत ज़्यादा। तो अभी 15 से 20 दिन लगभग समय है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि तब तक सूख जाना चाहिए और उसकी तैयारी हम लोग करा लेंगे। और जिन घाटों पर कटाव हो रहा है उसको हम लोग आज चिन्हित करेंगे, उस पर किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। चुनौती है। तो लग रहा है अभी तक तो खतरनाक ही है, उसमें सिचुएशन में परिवर्तन होता रहता है, उस पर हम लोग नजर रखेंगे, जैसे परिवर्तन होगा तो उसको बदल देंगे, लेकिन अभी आज के डेट में खतरनाक है।